सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में आपका स्वागत है। आज आपके साथ में एक विश्वव्यापी समस्या तलाक पर चर्चा करूंगा। तलाक अर्थात विवाह विच्छेद। भारतीय समाज में तलाक को बदनुमा दाग समझा जाता है। तलाक पर कोई चर्चा नहीं करता, विवाह विच्छेद की चर्चा नहीं करता। लेकिन 2000 के बाद से हमारे यहाँ तलाक की रेट बढ़ने लगी। हर शहर में परिवार परामर्श केंद्र होने लगे, उनमें विवाह विच्छेद के विविध प्रकरण आने लगे। यद्यपि अभी भी भारत में वर्ल्ड की तुलना में विवाह विच्छेद की दर काफ़ी कम है, 2% के आसपास है, लेकिन धीरे धीरे ये आंकड़े बढ़ रहे हैं। 1985 के दशक में जब परिवार परामर्श केंद्रों की स्थापना हुई थी तो साल भर में मुश्किल से 3 या 4 प्रकरण आते थे, लेकिन आज की डेट में परिवार परामर्श केंद्रों में 10-10 हज़ार प्रकरण आने लगे। कुछ शहरों में जैसे बेंगलोर पुणे में तो 4-4 परिवार परामर्श केंद्र खोले गए। आईटी सेक्टर में बहुत ज़्यादा तलाक है। दूसरा, मोबाइल फ़ोन तलाक का एक बहुत बड़ा कारण बन रहा है। पहले नपुंसकता, बांझपन, दहेज ये इसके कारण थे, शारीरिक अपंगता। इसके बाद मोबाइल फ़ोन आया, और अभी एक नया ट्रेंड आया है जो कहलाता है आपका स्लीपिंग डाइवोर्स। जी हाँ, निद्रा तलाक। देखा गया है कि नींद में तालमेल ना हो तो स्लीप डाइवोर्स होता है। इसका मूल कारण क्या है कि हमने देखा कि कुछ जोड़ों में अगर एक खर्राटे भरता है तो दूसरे साथी को उससे दिक्कत होती है। कुछ आईटी सेक्टर में काम करने वाले हैं, देर रात तक वो अपने काम में रहते हैं, ऑफिस के ट्रेन में रहते हैं, तो साथी को देर से सोने के कारण दिक्कत होती है। कुछ अलार्म बजाते हैं, कुछ को मच्छर परेशान करते हैं, मच्छर के कारण वो उनकी नींद खुल जाती है, बाहर मच्छर मारते हैं। रैकेट आ गए हैं आजकल बैटरी वाले, उससे चट चट करते हैं तो साथी की नींद खराब होती है। वास्तव में बेहतर नींद पाने के लिए अपने साथी से अलग होने के कारण तलाक बढ़ रहे हैं। इसे कहा जाता है स्लीपिंग डाइवोर्स, यानी पति पत्नी में से कोई एक अगर किसी एक पार्टनर के कारण नींद खराब हो रही है तो दूसरा पार्टनर बेहतर नींद पाने के लिए अपने साथी को छोड़ने को तैयार रहे, उसको नींद चाहिए, इसलिए वो अलग से रहना चाहता है, अलग सोना चाहता है। अमेरिका में 1/3 से अधिक लोग इसके शिकार हैं, वो स्लीपिंग डाइवोर्स मांग रहे हैं। सोना वास्तव में स्लीपिंग फायदेमंद है। एक बिस्तर में साथी को नींद संबंधी विकार होने पर उसका दूसरे साथी पे निगेटिव इफेक्ट पड़ता है, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। क्लीन एवांस कहते हैं नींद के चिकित्सक नींद संबंधी विकारों के लिए रोगियों का पहचान करके उसका इलाज करते हैं। अगर साथी खर्राटे ले रहा है तो स्लीप एपानिया का इलाज करके की सलाह की जाती है कि आप स्लीप एपानिया का इलाज कराइए। रात में कई बार होता है साथी को टॉयलेट जाना पड़ता है, बाथरूम जाना पड़ता है, जिससे साथ वाले साथी की नींद टूटती है, इसलिए वो अलग होना चाहते हैं कि हम अपने साथी के साथ नहीं रहना चाहते। लेकिन क्या ये सच है कि आप अच्छी नींद के लिए अपने साथी को पार्टनर को छोड़ें? कपल के साथ सोने से मिलने वाली सुरक्षा और प्यार की भावना है सभी को पसंद करते हैं। हर कोई चाहता है कि अपने कपल के साथ सोएं, उससे हमको एक सुरक्षा मिलती है, सेफ्टी मिलती है और प्यार की फीलिंग्स आती है। हालांकि कुछ कपल्स अपने साथी के शोर, उनकी आदतों और सोने में बेचैनी के कारण परेशान होते हैं और तालमेल नहीं बिठा पाते, इसलिए वो चाहते हैं सोना जो एक बहुत अच्छी चीज़ है, स्लीपिंग एक अच्छी, उससे दूर जा रहे हैं और सुरक्षित ना होने के कारण तलाक मांग रहे हैं। तो तलाक का एक नया वर्जन ये भी आया है जिसे स्लीप डिवोर्स कहा जाता है, क्योंकि अच्छी नींद पूरी नहीं होने के लिए वो अलग अलग रहना चाहते हैं, अलग अलग सोना चाहते हैं, इसे कहते हैं स्लीप डिवोर्स। विशेषज्ञ कहते हैं एक अच्छी नींद के समाधान के लिए आप अपने आप को सुधारें, अपनी व्यवस्थित करें, ना कि स्लीप डिवोर्स लें। स्लीप डिवोर्स कोई समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि इसमें आपको सुधार करना चाहिए, जैसे अपनी आदत या अपने विकारों को जाने कि आपको बार बार टॉयलेट लग रही है, आप डॉक्टर को दिखाइए, खर्राटे आ रहे हैं डॉक्टर को दिखाइए, नींद नहीं आ रही है तो उसके लिए जांच करें, क्रॉनिक अनिद्रा जैसे विकार हैं इसके लिए आप विशेषज्ञों से सलाह लें, डॉक्टर से सलाह लें। बेचैनी की वजह से अगर असुविधा हो रही है उस कारण ढूंढें, किस कारण से सोते समय आप बेचैनी अनुभव करते हैं,
बिस्तर आपको क्यों आरामदायक नहीं लग रहा? जरूरी नहीं है वो बिस्तर आपको आरामदायक नहीं लग रहा, ये जरूरी ही नहीं है, लेकिन आपका साथी भी वैसा मिल, आपके साथी को अगर अच्छा लग रहा और आपको नहीं लग रहा तो आपकी प्रॉब्लम है। बिस्तर में अगर बेचैनी हो रही तो आप बिस्तर को दोस्त नहीं दे सकते, अपने साथी को दोस्त नहीं दे सकते। आपको बिस्तर बदलना चाहिए, डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। सोने का पैटर्न चूंकि सबका अलग अलग होता है, कोई जल्दी सोना पसंद करता है, कोई देर रात तक जागना पसंद करता है, कोई देर रात जाग के सोना पसंद करता है, कोई पढ़ते हुए सोना पसंद करता है, कोई म्यूजिक सोते हुए सोना पसंद करता है। इन सब के बीच में अपने पार्टनर के साथ हमें तालमेल बिठाना होगा, ना कि स्लीप डिवोर्स की हम जाएं। आप खुद के अंदर झांकिए, खुद को पहचानिए, अपनी नींद की आदतों पर गौर कीजिए। आपकी नींद की आदतें क्या हैं? जिससे आप जल्दी उठने की आदत है तो आप अपने पार्टनर्स को भी जल्दी उठाइए या उसके साथ एडजस्ट कीजिए। खान पान, पर्सनल हाइजीन, फ़ोन के इस्तेमाल जैसी आदतों पर ध्यान दीजिए कि कहीं इसके कारण आपके पार्टनर को परेशानी तो नहीं हो रही। अगर आपके पार्टनर को परेशानी हो रही है तो आप उसके साथ मिल के एडजस्टमेंट करिए। ये नहीं कि पार्टनर को परेशानी आप समझ नहीं रहे, अपनी आदतों को मैं आप सुधार नहीं करना चाहते, कोई तालमेल नहीं बिठाना चाहते और नींद नहीं आ रही है, इसलिए आप स्लीप डिवोर्स के लिए आवेदन करें। स्लीप डिवोर्स ये 21वीं सदी की एक नई डिवोर्स की तरीका निकला है जिसमें लोग स्लीप डिवोर्स की मांग कर रहे हैं। अमेरिका में, भारत में भी हालांकि आया नहीं है पर आ सकता है बहुत जल्द, क्योंकि आज का ज़माना बहुत फास्ट है। ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण के दौर में हर चीज़ एक स्थान से दूसरे स्थान पहुँच जाती है। तो स्लीप डिवोर्स के लिए अगर स्थिति है, हम भारतीयों को काम के धंधे, क्योंकि हमारे भी ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों वर्क चल रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। कई बच्चे हैं जिनके जॉब US वगैरह में होते हैं, वहाँ के प्रोजेक्ट होते हैं, तो US वगैरह के टाइम से इंडिया टाइम को मिलाना पड़ता है, लेट नाइट काम करते हैं, वहाँ पर ये समस्याएँ IT सेक्टर में आए दिन, आने वाले दिनों में समस्या बढ़ सकती है कि हमारे यहाँ स्लीप डिवोर्स की बात हो सकती है। स्लीप डिवोर्स को समझिए, स्लीप डिवोर्स के साथ आप नींद के साथ तालमेल बैठाइए, क्योंकि स्लीप डिवोर्स कोई समाधान नहीं है। समस्या के कारण को जाने, अपने साथी की आदतों का सम्मान करें। आपको वीडियो कैसा लगा इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।